The question is, a circular field has circumference of 360 kilometers. Three cyclists start together and can cycle 48, 60 and 72 kilometers a day round the field. When will they meet again? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी सर्कमफ्रेंस है 360 किलोमीटर एंड थ्री साइक्लिस्ट जो हैं वो एक दिन में कितना कितना कवर कर पा रहे हैं. फर्स्ट साइक्लिस्ट जो है वो 48 किलोमीटर साइकिल कर रहा है, सेकंड जो है वो 60 किलोमीटर, जो थर्ड है वो हमारे पास 72 किलोमीटर जो है वन डे में साइकिल कर रहा है. ठीक है, और उसने पूछा है कि व्हेन विल दे मीट अगेन, वो दोबारा कब मिलेंगे, मींस वो कितने टाइम के बाद, कितने दिन के बाद मिलने वाले हैं. तो जब आपसे ड्यूरेशन पूछी जाए तो हमें इन साइक्लिस्ट की ड्यूरेशन ही चाहिए होगी, मींस वो एक राउंड जो है कितने टाइम में कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी ड्यूरेशन फाइंड करनी है. तो अब हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फील्ड 360 किलोमीटर. फर्स्ट साइक्लिस्ट जो है वो कितने टाइम में कवर करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 48, 48 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रहा है, 360 कंप्लीट है तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 15 बाय 2 डेज में वो कंप्लीट करेगा. जो सेकंड साइक्लिस्ट है वो एक दिन में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 मीन्स 6 डेज में. एंड थर्ड साइक्लिस्ट जो है वो हमारे पास एक दिन में 72 किलोमीटर जो है कवर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास 5 डेज में एक राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेगा. जब ड्यूरेशन पूछी जाती है तो हमें ड्यूरेशन ही चाहिए होगी उनकी एक राउंड कंप्लीट करने की इस टाइप के क्वेश्चन में. तो अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है इस ड्यूरेशन का, इन डेज का. अगर हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो एलसीएम से ही हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ इस टाइप के क्वेश्चन हो या फिर आपके पास ट्रैफिक लाइट्स रिलेटेड या फिर जो भी वॉकिंग के होते हैं स्टेप्स का आपको मेजरमेंट गिवन होता है, इन सब टाइप के क्वेश्चंस में हमें उनका एलसीएम फाइंड आउट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर अब एलसीएम फाइंड करना है 15 बाय 2, 6 एंड 5. तो अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन में एक नंबर है तो 6 एंड 5 को भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे. इस टाइप के नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं 15, 6 एंड 5 इनका एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ देयर डिनोमिनेटर, तो एचसीएफ ऑफ 2, 1 एंड 1. ठीक है, तो 15, 6, 5 का जो एलसीएम है वो 30 आ जाएगा और 2, 1, 1 का जो एचसीएफ है हमारे पास 1 है, तो मीन्स वो 30 डेज में दोबारा मिलने वाले. तो अगर एक टाइम पे वो एक सर्कल स्टार्ट करेंगे तीनों मिलकर के, जब स्टार्टिंग तीनों एक साथ कर रहे हैं देन वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के मिलेंगी आफ्टर 30 डेज. थैंक यू.